साथियों, मंदिर के राइट साइड में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जो ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ कुंड बनाने के लिए यहाँ पे छावनी बनाया गया है, शेड बनाया गया है। तो ये काफ़ी बेहतरीन लुकिंग में दिख रहा है। और ये मंदिर का व्यू जो कि देखते रहूँ इस टाइप का लगता है। तो गाइस नमस्ते, जय जोहार, वेलकम टू अवर चैनल सी जी गॉगल्स। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ अभी डोंगरगढ़ में, क्योंकि हमने मुख्य माँ बम्लेश्वरी मंदिर जो पर्वत में विराजमान है उसका वीडियो बना लिया। उसके पश्चात हम पहुँचे हैं इस छोटे माँ बम्लेश्वरी मंदिर के पास, जो कि काफ़ी भव्य बना हुआ है। पर्वत के नीचे काफ़ी बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो आज चलिए देखते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जूता चप्पल जो है निःशुल्क रखा जाता है, और आगे बढ़ेंगे और दर्शन करेंगे माता बम्लेश्वरी का। देख सकते हो साथ कितना बारीकी इन दीवारों पर जो कलाकारी उकेरी गई है, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी मेहनत से कलाकार ने इस मंदिर का निर्माण किया होगा। साथियों, कैमरा अंदर अलाउ नहीं है, तो चलिए बाहर से ही हम लेने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हो साथियों, माँ बम्लेश्वरी मंदिर काफ़ी भव्य और काफ़ी बेहतरीन डिजाइनों से सुसज्जित। चलिए आपको बारीकी से दिखाते हैं कि इस मंदिर को हम जाएंगे दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं, चलिए एक और मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफ़ी हाइट है। यहाँ है श्री गणेश भगवान जी, श्री गणेश भगवान जी, जय श्री गणेश। देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। अब उसके बाद हम चलेंगे, देख सकते हैं इधर पर्वत है और ये मंदिर का नज़ारा। और ये आगे हम जाएंगे, जब कोरोना काल था तो उस समय जो है श्रद्धालुओं के इस तरह से नंबर लिखा गया था, ताकि लाइन से दूरी बना के कोविड-19 का पालन करते हुए भगवान का माता जी का दर्शन कर सकें। अब हम चलेंगे इस मंदिर को देखने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी भव्य, यह प्रांगण काफ़ी खुला है और पर्वत के नीचे है और हवादार भी है, तो हवाएं चल रही है। श्री भैरव मंदिर, तो देख सकते हो साथियों यहाँ पे श्री भैरव मंदिर, यहाँ पे भैरव बाबा जी विराजमान है। तो जब भी आप डोंगरगढ़ माता बम्लेश्वरी के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो मुख्य मंदिर दर्शन करने के पश्चात यहां ज़रूर पहुंचे, क्योंकि यहां भी काफ़ी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। और मंदिर भी काफ़ी बेहतरीन पैटर्न पे बना हुआ है, भव्य बना हुआ है। देख सकते हैं प्रांगण भी काफ़ी खुला है, चौड़ा है। और यहाँ पीछे साइड में ट्रेन जा रही है, ट्रेन मतलब ट्रेन पटरी बगल में ही है, ठीक है, उसके बगल में यह मंदिर है। तो यदि आप जब भी आते हैं तो इस मंदिर को देखने के लिए, माता बम्लेश्वरी मंदिर को दर्शन करने के लिए ज़रूर पहुँचें। चलिए दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।